तिलावत की हुई आयत सूरह रात 13वां पारा आयत नंबर 30 है। 30 और 31 दो आयतें इस रुकू से बाकी थी। तस्करा चल रहा था कि जो लोग ईमान लाए और अमल सालेह किया उनके लिए खुशखबरी और खुशहाली है और बेहतरीन अंजाम है। अब इसके बाद की आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जिन लोगों ने इनकार किया है और पहले अंबियाओं में से बहुतों की तस्दीक किया है उनसे सवाल किया जा रहा है कि जब तुमने बहुत से नबियों की तस्दीक की है उसी डगर पर उसी रविश पर अल्लाह ने आपको भी बनाकर नबी भेजा है तो तुमने बहुतों का इकरार और एक का इनकार क्यों किया, उसकी क्या वजह है। नबी की नबूवत व रिसालत ये कोई नई चीज नहीं है। मा कुंतु बिदाम मिनर रसूल, मैं रसूलों की कोई इजाद नहीं किया हूं बल्कि सिलसिला जारी है। ये पहले से बहुत से रसूल आए नबी आए तुमने उनका इनकार नहीं किया, अब इस इनकार की वजह क्या है। असल में कुफार कुरैश में से अबू जहल का ऐलान था कि हम हर जगह उनका मुकाबला करते आए, बनी हाशिम का मुकाबला हम हर जगह करते आए, उन्होंने खाना खिलाया तो हमने भी खिलाया, जियाफत की तो हमने भी जियाफत की, उन्होंने बड़ाई की शुजात का मुजाहरा किया हमने भी किया। अब वो ये कहते हैं कि उनमें एक नबी आ गया, इस नबूवत का मुकाबला हम कैसे करेंगे, लिहाजा हम तो नहीं मानते। बुझा हट धर्मी थी, अल्लाह ताला ने उसी का जवाब दिया है कि आपका भेजा जाना बिल्कुल ऐसा है जैसे आपसे पहले बहुत से रसूलों को उन उम्मतों की तरफ भेजा गया। कजालिका अरसलना का, इसी तरह हमने आपको भेजा। कजालिका से इशारा है जिस तरह अब तक रसूल आते रहे बिल्कुल उसी डगर पे। कजालिका इसी तरह, अरसलना का हमने आपको भेजा, फी उम्मतिन एक जमात में, कद खलत मिन कबलिहा उमामुन तहकीक की इस उम्मत से पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं। यानी नबी आते गए और उनको पैगाम पहुंचाते गए, इस तरह से वो उम्मतें गुजरती चली गईं, एक दो नहीं, उमामुन जमा है, उम्मत की जमा उमम। तो आपसे पहले साबिका बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं इसी डगर पे और उन तमाम का एक ही मकसद था और आपका भी वही मकसद है, लितत्लु अलैहिम, आप उन पर तिलावत करें, लितत्लु अलैहिम, आप उन पर तिलावत करें। तिलावत के माने आते हैं कुरान करीम के अल्फाज को पढ़ना, तिलावत है ये। ताली, ताली कहते हैं पीछे चलने वाले को। वल कमरी इजा तलाह, और जब चांद सूरज के पीछे पीछे आए, वल कमरी इजा, और चांद की कसम जब वो तलाह सूरज के पीछे पीछे आए। अब आपने सुना होगा कल कुसूफ शम्स है, सूरज थोड़ा कम दिखाई देगा, तो वो क्यों दिखाई देगा कम, जमीन और सूरज के बीच में चांद आएगा, वो जितना आ जाएगा उतना छुप जाएगा, तो पीछे पीछे आने को तला कहते हैं। आगे आगे कुरान करीब के हरूफ होते हैं और पीछे पीछे ताली की आवाज होती है तो उसको तिलावत कहा जाता है। पढ़ते जाओ कुरान के हरूफ आगे आगे और आपकी आवाज पीछे पीछे, इस तरह पीछे पीछे चलने को तिलावत कहा जाता है। यहां अल्लाह ने वाज़े किया आपका काम है उन पर तिलावत करना। हर नबी ने अपनी किताब जो अल्लाह ने दी उम्मत पर पेश किया और यही काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, लितत्लु अलैहिम, आप उन पर तिलावत करें। जो भी कुरान करीम की तिलावत उम्मत के अफराद पे करेगा ये सरासर खालिस नबियों वाला काम है। कुरान की तिलावत करना उम्मत पर
یہ ایک نبی نہیں تمام نبیوں کا مشترکہ معاملہ، الذی اوحینا الیک جو ہم نے آپ کے پاس بطور وحی کے بھیجا ہے، اس سے مراد قرآن، جیسا آپ قرآن سنا رہے ہیں سابقہ امتوں کے پاس ان کے رسول ان کی کتاب سناتے رہے، وہم یکفرون بالرحمن، حالانکہ وہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کے کتابوں کی، اس کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں اور یہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں، رحمان کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں عمر رحمان، جب حکم ہوتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے اس جذور الرحمان سجدہ کرو رحمان کے لیے، تو کہتے ہیں عمر رحمان، کون ہے رحمان؟ ان کو رحمان نہیں معلوم، اور جب بتایا گیا کہ جو تم جس کو اللہ کہتے ہو اسی کے نام میں سے ایک نام رحمان بھی ہے، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، بہت سارے نام ہیں، کوئی بھی نام پکارو، عبد اللہ عبد الرحمن، کبھی اللہ کہو کبھی رحمان کہو، یہ اس کا انکار تھا، اس انکار کے باوجود آپ ان کو تلاوت کرتے ہوئے قرآن سے قریب کر رہے ہیں۔ جب وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں تو آپ تعارف کرائیے، قل کہہ دیجئے ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، جس کو رحمان کے بارے میں پوچھنا ہو رحمان کا تعارف اللہ نے خود کروایا، ہوا ربی، اے نبی آپ کہیے کہ وہ میرا رب ہے۔ اللہ کے بہت سے ناموں میں سے لفظ رب کو چنا، کیونکہ ربوبیت کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا، کچھ نہیں تھا اب موجود نظر آتا ہے جس شکل میں، اس عدم سے وجود میں لانا یہ ربوبیت ہے۔ اس کے بعد جب جس چیز کا تقاضا ہوا آہستہ آہستہ حاجتوں کو پورا کرتے ہوئے بتدریج درجہ کمال تک پہنچانا یہ ربوبیت ہے۔ تو قل ہوا ربی میں اشارہ کر دیا، تم تھے ایک دن آج ہو، جب تم نہیں تھے اور آج ہو تو کون ہے یہ نیست کو ہست کرنے والا، کون ہے معدوم کو موجود کرنے والا، کون ہے تمہارے ذات میں ارتقائی مراحل طے کر کے یہاں تک پہنچانے والا، کون ہے تمہیں بھوک میں کھانا کھلانے والا، تمہارے جسم بے جان میں روح ڈالنے والا کون ہے؟ قل ہوا ربی، کہہ دو وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، تو یہ رحمان کا تعارف، علیہ توکلت، میں نے بھروسہ اسی پر کیا، وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ مَتَاب تَابَ اَتُوبُ، مَتَاب کے معنی پلٹ کر جانے کی جگہ، اللہ ہی کے پاس پلٹ کر جانا ہے، اور بھروسہ میں نے اسی پر کیا، سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، وہی میرا پروردگار ہے، یہ تعارف ہوا رحمان کا، یہ تعارف۔ اب مجھے بتائیے ان صفتوں میں سے کس کو کس صفت کا انکار ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ اپنے وجود پر غور کر لے کہ اس کی عمر 60 سال کی ہے تو 60 سال سے پہلے تھا وہ نہیں تھا، ناقابل ذکر تھا، یہ وجود کس نے شروع کیا، کہاں سے چلا یہ، اور کس نے ہر مرحلے پہ آپ کی حاجتیں پوری کی؟ کسی پر کیوں اپنے پر غور کرنا، ہم پیدا ہوئے تھے تو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں غذا کس نے فراہم کیا، آنکھ ناک کان کس نے دیا، رونا کس نے سکھایا، تبسم کس نے سکھایا، تکلم کس نے سکھایا، اور جب پیٹ میں بھوک لگتی تھی تو دودھ کو غذا چھاتی میں کس نے اتارا، اور جب پیٹ میں قوت آ گئی تو مسوڑے میں دانت کس نے پیدا کر دیا؟ سوچتے ہوئے آؤ وہاں تک، ہر شخص کو جواب ملے گا کہ یہ ایک ذات ہے جس کو میرا رب کہا جائے، وہی ذات ہے جس پر بھروسہ کیا جائے، اور جس نے اب تک بغیر مانگے سب کچھ دیا۔ اللہ نے کہا تم نے جو مانگا وہ بھی دیا، تم نے جو نہیں مانگا وہ بھی دیا،
वह आताकुम मिनकुल मा सअलतुमु, तुमने जो जो मांगा सब दिया और तुमने जो नहीं मांगा वो बगैर मांगे दिया। इसके बावजूद तुम कहते हो उमर रहमान, कौन है रहमान? तुम अपने मालिक को, खालिक को, राजी को पहचानते ही नहीं। अब यहां से आयत नंबर 31 में एक सवाल का जवाब दिया है, वलौ अन्न कुरआनन सुजिरत बिहिल जिबाल औ कुत्तियत बिहिल अर्ज औ कुल्लिमा बिहिल मौता। तीन टुकड़े में तीन बातों का जवाब है। कुरान करीम पर बगौर निगाह डाला करो, पूरा पढ़ जाने से थोड़ा पढ़ना समझकर पढ़ना ज्यादा अच्छा। ज़ैद इब्ने साबित जिनकी जान पर हुजूर सर रखकर सो रहे थे और वही आया करती थी, जो कुरान करीम के छह कुर्राओं में बड़े मशहूर थे नबी के जमाने में कुरान के जमा करने में, ज़ैद बिन साबित, उनसे किसी ने पूछा कि एक हफ्ते में कुरान करीम जो खत्म करते हैं साहबा, जिनका मामूल था, उसके बारे में आपका ख्याल क्या है? तो फरमाते थे एक हफ्ते के मुकाबले में दो हफ्ते खत्म करना मुझे ज्यादा पसंद है, और दो हफ्ते के बजाय तीन हफ्ते में खत्म करना मुझे ज्यादा पसंद है। और फरमाया पूरा खत्म करने के मुकाबले में गौर व फिक्र के साथ थोड़ा पढ़ना मुझे ज्यादा पसंद है। ये रिवायत मुअत्ता इमाम मालिक ने जमा की है मुअत्ता के अंदर, ज़ैद बिन साबित ने कहा है, जो कुरान से इतना करीब है कि उम्मत को रश करना चाहिए। नबी का सर उनके जानों पे होता और वही आ जाती, इतना कुर्बत थी नबी से। भला नबी किसी के जान पे सर रख के सोएं तो कितना करीब होगा वो नबी से, कितनी कुर्बत होगी। वो ज़ैद बिन साबित कहते हैं लगता था मेरी जान टूट जाएगी अचानक वही आई तो। वो ज़ैद बिन साबित कहते हैं गौर व फिक्र कर लेना ज्यादा पढ़ लेने के मुकाबले में बेहतर है। तो इस आयत में कुफार कुरैश ने तीन सवाल किए थे और कह रहे थे अबू जहल और उसके साथ दो तीन कुरैश के सरदार मक्के के पीछे बैतुल्लाह के पास तशरीफ लाए और वहां रुककर मशवरा किया और अपने में से एक कासिद को भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा देखो हम चाहते ये हैं कि आप अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह आपकी बात मानते हैं, तो हमारे चंद मुतालबात पूरे कर दो, हम आपकी बात मानकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं, बस चंद बातें। क्या चीजें हैं? कहा ये मक्के के अतराफ पहाड़ बहुत हैं, जहां देखो पहाड़, रास्ते तंग, गलियां पतली, यहां पर सब्जा नहीं, खेती नहीं, गल्ला नहीं, फल नहीं, ये तमाम के तमाम पहाड़ों को अल्लाह से कहकर हटवा दो, ये पूरे के पूरे पहाड़ यहां से चले जाएं ताइफ की तरफ, और ताइफ की जमीन जो अच्छी है, बेहतरीन है, बाग वाली है, वो पूरी की पूरी यहां कर दो। और ये तो आपको मालूम है कि आपका मकाम हजरत दाऊद से कम नहीं है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ तस्बीह करते थे, ये तो आपने खुद फरमाया या जिबाल अव बिमी मा हुव तैर वअलन्ना लहुल हदीद। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब तस्बीह करते थे तो उनके साथ परिंदे भी, पहाड़ भी तस्बीह में शरीक होते थे, तो आपका मकाम तो हजरत दाऊद से बढ़ के है। अगर उनके साथ पत्थर और पहाड़ तस्बीह में शरीक हो सकता है तो आपके हुक्म से ये पहाड़ यहां से हटाए जा सकते हैं, एक मुतालबा ये था उनका। दूसरा मुतालबा क्या था? हजरत सुलेमान से आप कम नहीं हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने हवाओं को मुसख़र कर दिया था, जिन्हों को मुसख़र कर दिया था, एक महीने की मसाफत एक सुबह और एक शाम में आप पहुंच जाते थे,
न कोई थकन होती थी न कोई थपेड़ा, बस हवाएं आपका तख्त सुलेमान लेकर चलती थी, रुखा नरमी के साथ धीरे धीरे बिना किसी थपेड़े के। ट्रेन तेज चलती है तो हवा मारती है ना, खिड़की बंद करना पड़ता, लेकिन सुलेमान का जो तख्त चलता था हवाओं पर, रुखान हैसु असाब, बड़ी नरमी के साथ। रुखान के माने नरम नरम हवा, सुबह के बाद नसीम की तरह झोंके मालूम हो रहे थे। बस एक एक महीने का सफर एक शाम में। तो फिर आप अल्लाह से दुआ कर दो, हमारे वास्ते भी मुल्क शाम जाना है, मुल्क यमन जाना है, कारोबार करना है, हमारे वास्ते भी कुछ सहूलत हो जाए कि बस मिनटों में वहां पहुंच जाए और कारोबार कर लेके आ जाए, यह हमारे वास्ते कोई मुश्किल नहीं है। यानी जमीन को सिमट दे, हम जब सफर करें शाम का तो एक कदम यहां एक कदम वहां हो, क्या मुश्किल है ये। अगर कौम सबा वालों के लिए जमीन समेट दी गई थी और वो कहते थे क्या करूं सफर का मजे नहीं आता, घर से निकले और पहुंच गए, घर से निकले और पहुंच गए, तो उनको तो बेताबी से दुआ करना पड़ा। क्या दुआ किया? या अल्लाह ये सफर में मशक्कत का मजा नहीं आ रहा है, जब तक थके ना, भूख लगे ना, और परेशानी के आलम में शिद्दत कर्ब इस्तराब में प्यास लगे ना, उसके बाद जब पानी मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या मजा आता है। अल्लाहुम्मा बाइद बाइद, ऐ अल्लाह हमारे सफर में बहुत पैदा कर, दूरी पैदा कर। इन्होंने दुआ किया। तो आपसे गुजारिश ये है कि सुलेमान से आप बड़े पैगंबर हैं, आप जमीनों को समेटने के वास्ते अल्लाह से दुआ कर दो। यानी हम जब चाहें यमन जाएं, जब चाहें मुल्क शाम जाएं, एक कदम यहां एक कदम वहां। ये दो सवाल किया उन्होंने, और तीसरा सवाल क्या था, हजरत ईसा पर अल्लाह का ये मौजजा था कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, मुर्दों को ठोकर लगाया जिंदा होकर तैयार हो जाते थे। आप तो सैयदुल अंबिया हैं, आप भी मुर्दों को जिंदा कर दो, ज्यादा नहीं बस हमारे एक दादा कुसै को जिंदा कर दो, कुसै इब्ने कलाब को, कुसै को जिंदा कर दो। हम उनसे पूछ लेते हैं कि भाई ये आपके खानदान का चश्मा चिराग है, इनका नया मजहब अच्छा है या आपका पुराना मजहब अच्छा है, हम उनसे पूछ लेके फैसला कर लेंगे। कुसै नाम लिया। उस जमाने में लोग दादा परदादा का ताल्लुक नसबी की बुनियाद पर बड़ा एहतराम करते थे। आज तो हमें दादा का नाम याद आता बस, दादा के बाद भूल जाते। क्यों ऐसा भूल जाते? क्योंकि उनके एहसान की कोई परवाह नहीं रहती। हमें चाहिए कि इसका भी सोच रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को आज तक सीरत निगारों ने महफूज रखा है। आप भी अपने बच्चों को याद कराइए, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लोए बिन गालिब बिन फहर बिन कनाना, ये आठ पुश्तें लिखा है मियां साहब ने, मोहम्मद मियां साहब ने तारीख इस्लाम में। ये क्यों लिखा है कि आपको अपना नसब भी ऐसा याद होना चाहिए, नसब से बड़ा ताल्लुक होता है। तो इन्होंने अपने दादा पर दादा कुसै का नाम लिया, कहा कुसै को खड़ा करो कब्र से, चलो उनसे कहो जरा खड़े हो जाएं कब्र से, और हम उनसे पूछ लें कि दादा का दीन अच्छा था कि बेटे और पोते प्रपोते का दीन अच्छा है, तुम जिससे मरे थे वो अच्छा है या नया दीन। ये उनका तंज था। इन तीनों सवालों के जवाब में ये आयत नाजिल हुई है जो आपके सामने मौजूद है, आयत नंबर 31 है सूरह रात की। ولو ان قرانا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى, اور اگر ولو سپوز ولو واو مانے اور لو مانے اگر, یہ اگر جو آتا عربی میں سپوز بفرض محال, ایسا تو نہیں کریں گے لیکن اگر ایسا کر بھی دیا جائے کیسا, بے شک قرانا ایسا قرآن ہو, कुरआनन में जो दो जबर है तनवीन ये मौसूफ जाहिर बनाता है, ऐसा कुरान के सुजीरत भी हिल जिबाल, चलाए जाएं उसके जरिए से पहाड़। आज कुरान करीम से पहाड़ नहीं चलाए जाते हैं, लेकिन अगर फर्ज करो कुरान में सिफत ऐसी रखी जाए कि उससे पहाड़ चलने लगें तो भी,
ये ईमान नहीं लाएंगे, ये ईमान नहीं लाएंगे। अगर फर्ज करो, सपोज ऐसा कुरान जिससे पहाड़ चलाए जाएं, ये सिफत कुरान की यहां रख दी जाए, तो भी ये ईमान नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? अभी आगे आप ही वजाहत है। औ कुत्तियात बिहिल अर्ज, या जमीन उनके जरिए से कता कर दी जाए। कुत्तिया के माने सर टुकड़े टुकड़े करने के आते हैं, मुराद यह है जमीन के टुकड़े हो जाएं, यानी जमीन कता कर दी जाए, जिसको हम बोलते हैं जमीन का लपेट देना। हदीस में आता है सफर के दौर में क्या पढ़ते, वो अतवी अन्ना बोदा, ऐ अल्लाह सफर के दूरी को, बोध को लपेट के हमारे सामने छोटा कर दे, सफर की मशक्कत से हमें बचा ले। वो अतवी अन्ना बोदा, सफर के बोध को लपेट के हमारे सामने कर दे। तो यहां कुत्तियात बिहिल अर्ज के माने अगर जमीन उनके लिए कता कर दी जाए, यानी सफर को आसान कर दिया जाए। एक पांव रखे मक्के में और एक मुल्क शाम में, या फिर यमन में, या जहां चाहना चाहते हैं, तो भी ये ईमान नहीं लाएंगे। नंबर तीन, औ कुल्लिमा बिहिल मौता, अगर इस कुरान के जरिए से मुर्दे हम कलाम हो जाए। कुल्लिमा कल्लमा से है, कल्लमा कलाम से बना है, कलाम माने बात, कल्लमा माजी का फेल बनेगा और कुल्लिमा उसका मजहूल बनेगा, या बात कर ली जाए उस कलाम पाक के जरिए से मुर्दों से। ये तीनों उनकी ख्वाहिशें पूरी कर दी जाए, तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। अगली आयत उसकी दलील है, ईमान नहीं लाएंगे। यहां कहां लिखा है? यहीं ढूंढना नहीं, पूरे कुरान में ढूंढना चाहिए, पूरे कुरान करीम में ढूंढना चाहिए, ये ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि ये हठधर्मी कर रहे हैं। हकीकत ये है कि जितने ये मौजज़ात तलब कर रहे हैं कि पहाड़ चलाए जाएं, जमीन लपेटी जाए, इनके सामने इससे बड़े बड़े मौजज़ात आए हैं, इससे बड़े बड़े मौजज़ात आए हैं। वो क्या है? आपने खुद एक रात के कुछ हिस्से में बैतुल मुकद्दस तक सफर किया है, बैतुल्लाहिल हराम से, और उसी रात में सातों आसमान की सैर किया, और उसी रात में जन्नतों जहन्नम की सैर किया, और उसी रात में वापस आए और बिस्तर गर्म है, जंजीरें हिल रही हैं, ये उससे बड़ा मौजजा है। इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, ये पहाड़ नहीं, पहाड़ के ऊपर चांद को शक करते हुए देखा है। ऐसे बड़े बड़े मौजूदा इनके सामने मौजूद है, लेकिन जब ये ईमान नहीं लाए तो अब ईमान कैसे लाएंगे? क्या वजह? बहुत से सहाबे कराम की ख्वाहिश थी कि अगर ये तीन मुतालिबात पूरे कर दें अल्लाह नबी की दुआओं की बरकत से, तो पूरा मक्के के लोग मुसलमान हो जाएंगे, कितना बेहतरीन गलबा होगा, काश कि ऐसा आप कर दें, तमन्ना थी उनकी। अल्लाह ने कहा पहाड़ों को चलाना, जमीनों को तय कर देना, मुर्दों से बात कर देना, ये तो तीन ही चीजें हैं, बल्कि लिल्लाहिल अम्रु जमीया, सारे अवामिर अल्लाह के कब्जे में, लिल्लाहिल अम्रु, तमाम मुआमिलात अल्लाह के कब्जे में है, जमीया सबके सब, जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन आए लोगों, तुम्हारा ये ख्याल गलत है कि इनकी मर्जी के मुतालिबात पूरे कर देने से ये ईमान ले आएंगे, ये दारत है, ये तो हठधर्मी है। वरना मौजूदा शक्कुल कमर और रात में मेराज का सफर ये काफी है। और सुनो, इन पत्थरों से और इन मुर्दों से बात करने से ज्यादा अहम है कि अबू जहल के हाथ में कंकर है जो कलमा पढ़ रहा है, इसलिए मुर्दों से बात करना क्या मुश्किल है? जो नबी अपने इशारे से अबू जहल के हाथ में कंकरी से कलमा पढ़वा दे सकता है, वो मुर्दे से पढ़वाने से क्या मुतालिक है, क्या मुश्किल मसला है? लेकिन यही अबू जहल है जिसके हाथ में कंकरी कलमा पढ़ती है, ये ईमान नहीं लाया। इसके सामने अगर मुर्दा खड़ा होकर कह देगा कि हाँ इनका दीन सही है, तो इनका मानना क्या जरूरी है? जबकि अल्लाह का वसूल यह है कि मन चाहा मुतालबा अगर पूरा कर दिया जाए और फिर भी ईमान न लाएं, तो इनको जिंदा रहने का हक नहीं।
ऐसी सख्त सजा दी जाएगी जो इबरतनाक होगी। इसलिए इस कौम को अभी बाकी रखना है, मुतालबा इनका मनचाहा नहीं पूरा किया जाएगा। और आगे तसल्ली है ईमान वालों को उसी जवाब में, अफलम यय्यसिल लदीन आमनु, क्या पस नहीं मायूस हुए वो लोग जो ईमान लाए, अन ये के लो यशाउल्लाह, अगर अल्लाह चाह ले, लहदन नास जमीआ, तो हिदायत दे दे सारे इंसानों को। ये मुजजात की जरूरत क्या है? मुजजात की जरूरत नहीं, अगर अल्लाह चाह ले तो सारे इंसानों को हिदायत दे दे, फिर तुम्हारी ये ख्वाहिश करने की जरूरत नहीं कि मर्जी का मुतालबा पूरा कर दो ताकि ये ईमान ले आए। तुम्हें तो इस बात से अच्छी तरह से सबक लेना चाहिए कि ये बड़े से बड़े मुजजात देख चुके और ईमान नहीं लाए, लिहाजा ये अब भी ईमान नहीं लाएंगे, ये तो हटदर्मी करते हैं। हाँ, रहा जबरन ईमान में दाखिल करा देना, ये तो अल्लाह के वास्ते बहुत आसान है। चुनाचे दूसरी आयत में ये मज़मून आ रहा है, وَرَوْشَا رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, اگر آپ کا رب چاہ لیتا تو جتنے زمین میں ہیں سب ایمان لے آتے۔ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, جتنے زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ کیا تم لوگوں کو ناگوار سمجھتے رہو گے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ کچھ لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, کچھ لوگ جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, یہ تو اللہ کو معلوم ہے کون کس لیے پیدا کیا گیا ہے, اللہ کی تخلیق۔ اس لیے تمہیں ایسی خواہشیں نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا ٹکڑا اسی آیت کا, ولا یزال, اور ہمیشہ۔ لا یزال کا ترجمہ ہمیشہ کیسے ہوتا؟ لا معنی نہیں, اور یزال کے معنی جس کو زوال ہو, تو لا یزال زوال نہیں یعنی ہمیشہ, لا یزال کے معنی ہمیشہ۔ الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا, تصیبہم, پہنچے گی ان کو, بما صنعوا, ان کے کرتوت کی وجہ سے, بد کرداری کی وجہ سے, قارعتن, کھڑکھڑا دینے والی ایسی مصیبت, ایسی آفت, ایسا حادثہ, قارعتن۔ آپ نے پڑھا ہوگا القارعت ما القارعة, کیا ترجمہ تھا وہاں؟ القارعت ما القارعة, قرعا کے معنی کھڑکھڑا دینے والی ایسی آواز, ایسا حادثہ کہ آدمی کا دل دہل جائے, دل دوز آواز۔ تو قارعا کے معنی پہنچے گی دل دوز آواز, کس کو پہنچے گی؟ کافروں کو۔ کیوں پہنچے گی؟ بما صنعوا, ان کے بد کرداری کی وجہ سے, ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ ہمیشہ پہنچتا رہے گا صدمہ ان کافروں کو, ان کے کرتوت کی بنا پر ہمیشہ صدمہ پہنچتا رہے گا۔ او, یا ان کو نہیں پہنچے گا, ان کے قریب والوں کو پہنچے گا۔ او تحل قریبا من دارہم, یا اترے گا وہ حادثہ قریب قریب ان کے گھروں کے۔ سنا آپ نے, کبھی جس کو صدمہ پہنچانا ہے اسی کو تھپڑ مارا جاتا, اور کبھی اس کے بازو والے کو مارا جاتا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ سنبھل جائے, اگلا گرا پچھلا ہوشیار, اب تھپڑ پڑنے والا ہے۔ جب بڑے بیٹے کو ڈانٹنا ہوتا ہے تو لوگ چھوٹے کو ڈانٹتے تاکہ بڑا خود سمجھ جائے, اب نمبر آ گیا ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے اصلاح کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ براہ راست مجرم کو سزا دیتے ہیں اور کبھی کبھی اس کے اطراف اس کا ظہور فرماتے ہیں۔ لیکن اب لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ چاہے سارے جہان میں کسی قسم کی آفت آئے, ہمارے دل کو ذرہ برابر دھکا نہیں لگتا, ہمارے آنسو نہیں گرتے, ہمارے دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ابھی دیکھو آپ, سارے عالم میں کوہرام مچا ہوا تھا, ہزاروں بچے یتیم ہو گئے, سینکڑوں عورتیں بیوہ ہو گئیں, کتنے نوجوان اجڑ گئے, کتنوں کے گھر تباہ ہو گئے, لیکن ہماری مستی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہم نے باجا تک بند نہیں کیا ابھی تک, ہمارے گانے تھرکنے اور
बड़ी बड़ी कारों पर फूल लाने के वो झूठे शान वाले किस्से अभी तक खत्म नहीं हुए। ये अल्लाह ने फरमाया है कि जब किसी पर अजाब आता है, सारे आलम में किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंची, तो तुम्हारे ईमान का तकाजा है कि तुम दहल जाना जगह पर अपने। अल्लाह ने कुरान करीम में कई मकाम पर यह बात वाजह कर दी है, लअल्लहुम यतज़र्रउन, लअल्लहुम यज़र्रउन। हम किसी पर तकलीफ देते हैं तो इस वास्ते ताकि तुम में जारी पैदा हो, तज़र्रो आजिज़ी पैदा हो। बंदे को चाहिए कि दूसरों की तकलीफों से अपनी इबरत को हासिल करे, ये कहा गया खासतौर से। जो अल्लाह उनके करीब घरों पर हादसा डाल सकता है, वही अल्लाह वही हादसा हमारे पास भी डाल सकता है। ये अल्लाह का करम, उसका शुक्र है कि उसने पहले वहां डालकर हमको चौकन्ना कर दिया ताकि हम तैयार हो जाएं और चौकस हो जाएं। ये ख्याल गलत है कि वही आएगा और हमेशा हम ऐसा ही रहेंगे। हम सबको दफन करते रहेंगे, हजारों को कब्र में उतारते रहेंगे और हमारा नंबर नहीं आएगा, कितना बड़ा झूठ है ये। जिस तरह बहुत से लोग पैदा हुए, आज शबाब उनको आया, हमारे सामने जिनको शबाब आया था वो बूढ़े हुए चले गए, सिलसिला जारी है ये, आना जाना जहां में जारी है, आज वो कल हमारी बारी है, तैयार रहना है। यहां उसी को कहा लाने कि या तो वो हादसा हमेशा उन्हीं को पड़ेगा या उनके घरों के करीब पहुंचेगा ताकि ये चौकन्ना हो जाए। औ तहल्लु करीबम मिन दारिहिम, एक हादसा हुआ आपके करीब, आपने कहा मैं तो बच गया, मगर बचाने वाले की तरफ झुकाव क्यों नहीं बढ़ा? अल्लाह ने आपको बचा लिया, सदमे से आपको इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? मिसाल दी है, जितनी मखलूक जमीन पर है खुसूसन साहब ईमान, इनका रिश्ता हर मोमिन से इतना मजबूत है कि जैसे एक इमारत की ईंटें एक दूसरे से मजबूत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देके फरमाया, अल मोमिनो लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा थुम्मा शब्बका बिही रसूलुल्लाह। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत के ईंट की तरह है। फिर नबी ने अपने हाथों को तशबीह किया, यह तशबीह है, एक हाथ में एक हाथ की उंगलियों को डालना, बताने के लिए कि एक ईंट से दूसरे ईंट को तकवीत पहुंचती है। आगे फरमाया कि अगर सारे मोमिन इमारत की ईंटों की तरह हैं, और ये भी सुनो कि सारे बनी आदम एक आदमी के सारे जिस्म की तरह, अगर आपके पांव में कांटा चुभा, हाथ में दर्द हुआ, दाढ़ में बेचैनी हुई, तो सारा जिस्म बेकरार होकर आंखें अश्कबार हो जाती है। तो सारे मोमिन जमीन पर कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, किसी पर आफत आई हो, हमें उससे नतीजा अखद करना चाहिए कि अल्लाह नाराज हैं, वरना इस मोमिन को तकलीफ क्यों हुई? और ये मोमिन को तकलीफ हो सकती है तो हमें भी हो सकती है। हमें चाहिए कि तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं, मालिक को राजी करने की सही करें, हर मोमिन के लिए खैर और भलाई की दुआ करें। ये है इशारा यहां पर, हत्ता याती वादुल्लाह, यहां तक कि अल्लाह का वादा आ जाए। इस वादे से मुराद मुफस्सिरीन लिखते हैं फतेह मक्का है। ये मुसीबतें, ये परेशानियां काफिरों को आती ही रहेंगी या उनके अतराफ में आती रहेंगी यहां तक कि मक्का फतह हो जाए। चुनांचे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो मक्की दौर था, आप पर कभी गौर करें, छोटे मोटे वाकयात इतने हैं, असहाबे सिया सबको जमा कर चुके हैं। जब देखो जब कहीं ना कहीं कोई मुसीबत आती रही जंगों की शक्ल में, आपसी जंग, कबीले गतफान ने कब्जा कर लिया और फला कबीले ने एलगार कर दी और फला जगह शबखून मारा गया, यहां तक के सिवाय मक्के के हरम के बकिया कहीं भी सफर करना मुमकिन नहीं था। यतखत्तफुन्नास के अल्फाज कुरान बयान करता है, तखत्तुफ के माने उचक लिया जाना।
इन्ना जालना हरमन आमिनन, हमने हरम को बनाया अमन वाला, और इसके अतराफ क्या हो रहा था, यतखत्तफुन नास मिन हौलिहिम, कहीं भी कोई गया उचक लिया गया, बेअमन जिंदगी, बेअमन के साथ। लेकिन जब अल्लाह ने मक्के को फतह कर दिया तो नबी सासन पेशनगोई किए थे। पेशनगोई क्या थी कि एक औरत तने तनहा सफर करेगी, तने तनहा सफर करेगी, उसको सिवाय अल्लाह के और किसी का खौफ न होगा, ज़ैना सफर करेगी यहां से वहां तक लंबी तारीख। अल्लाह ताला ने मक्का फतह होने के बाद वो अमन नसीब कर दिया और उस जाए हरम को अमन वाला बनाया। इन तमाम चीजों में ये वादिस मुराद फतेह मक्का का वादा है। और बाद ने कहा है वाद अल्लाह से मुराद अल्लाह की तरफ से उन पर और सख्तियां हैं, जैसे गजवे हवाजिन और कबीले सकीफ सन 9 हिजरी और 10 हिजरी से पहले पहले तक बहुत सी अलगार होती रही। बहरहाल इससे एक वादा ये भी मुराद हो सकता है कि क़यामत का वादा, क़यामत आ जाए, या इससे मुराद हिसाबदेही का वक्त आ जाए। वाद अल्लाह से मुराद ये सब इम्कान लिखा है मुफस्सिरीन ने। आखिरी टुकड़ा है इस आयत का, इन्ना अल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह अपने वादों की मुखालिफत नहीं करते। ला युखलिफु खिलाफ नहीं करते, मियाद मौअद से बना है वादा, वादे वक्त या वादे अमल या वादे अंजाम, जो जो वादा अल्लाह ने किया है या वईदें वो सब होके रहेंगी, यानी अल्लाह का वादा पूरा होगा, हिसाबदेही होगी, जन्नत या जहन्नम जो मुकद्दम में रखा है वो होके रहेगा, इसमें कोई टाल नहीं सकता। इसके बाद की आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है। तसल्ली क्या दी गई है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले बहुत से रसूलों के साथ मजाक किया गया, अगर आपके साथ इन लोगों ने कोई गुस्ताखी की है, गुस्ताखी कैसी कैसी की है, कई अंदाज की गुस्ताखी है। कुरान करीम के लफ्जों पर गौर करो कि यह आयत क्यों नाजिल हुई होगी तो आपको अंदाजा खुद ही हो जाता, कभी सोचा करो। इमाम बुखारी बाज दफा बताते हैं शान नज़ुल, बताते हैं इसका, इस हदीस का उन्वान यह है, और कभी हेडिंग छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कि हदीस ये है, नकल कर दिया मैंने, अब ये हदीस पर हेडिंग तुम खुद लगा लो। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि आपको भी मालूम हो कि किस हदीस से क्या मसला निकाला जा सकता है, किस हदीस से क्या सबक निकाला जा सकता है, नतीजा क्या हो सकता है। कुफार कुरैश मजाक करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजवाज हैं 9 बीबियां, बादियों को मिलाकर 11, कसरत अजवाज पर आज जो एतराज किया जा रहा है, जब कोई दावत देता है इस्लाम की गैर मुस्लिमों को तो वो लोग नबी की शादियों पर एतराज करते हैं। इसके बाद के रुकू में यह बहस इंशाल्लाह आ रही है, आयत नंबर 38 में यह बहस इंशाल्लाह आएगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनका यह भी तंज था कि आपकी इतनी बीवियां क्यों हैं, इतने बच्चे क्यों हैं, हालांकि जिनको वह नबी मान चुके हैं और उनकी नस्ल में नबियों को तस्लीम कर चुके हैं उनके अहवाल कुरान ने खुद बयान किया है। हजरत सुलेमान को 1000 बीवियां थी, हजरत दाऊद को 100 बीवियां थी, उन्हीं की नस्ल में से हैं जिनको तुम नबी तस्लीम करते हो, हजरत मूसा भी हजरत ईसा भी। तुम ये एतराज वहां जब नहीं कर सके तो यहां क्यों करते हो। तो ये आजकल के जो लोग एतराज करते हैं ये हम समझते हैं कि ये मुतारा नहीं करते, ये होमवर्क नहीं करते, इनका अपना जहन का एतराज है, ऐसा नहीं है। इनके यहूदियों के बाकायदा मदरसे हैं, बाकायदा उसके अंदर मुअल्लिमीन है, ऐसे कुरान करीम की सारी आयतों पर वो लोग रिसर्च करके निकालते हैं कि उन लोगों ने नबी पर क्या क्या एतराज किए थे, उन तमाम को उजागर करके पेश कर रहे हैं। आज लोग समझते हैं कि नई बात है, भड़क उठते हैं, यानी बातिल हमारी कमजोरियों से वाकिफ होने की सही कर रहा है,
और हम हैं कि उसका सही जवाब देने के लायक नहीं बन रहे हैं। हमें तो बस वही सुस्ती मस्ती जबरदस्ती चले, बस आराम आयश कुछ भी नहीं। दुनिया में जीने का मकसद आयश कोसी नहीं है। ये हमें दुनिया में रहकर वही करना है जो अल्लाह के नबी ने किया और जिसको सहाबा ने तस्लीम कर लिया। हमको मेहनत करना है, जस्तजू करना है, फिक्र करना है। तो इस आयत में तसली दिया अल्लाह ने, वलकद इस्तहज़िया, और अलबत्ता तहकीक मजाक किए गए, इस्तेहजा किए गए, बिरुसुलिन, बहुत से रसूल जमा है। देखिए अब रसूल नहीं वाहिद है, रसूल जमा है, बहुत से रसूलों के साथ आपसे पहले इस्तेहजा किया गया, मिन कबल का आपसे पहले। फअमलैतु लिल्लज़ीना कफरु, फिर हमने मोहलत दी उनमें से काफिरों को, सुम्मा अख़ज़्तुहुम, फिर हमने उनको पकड़ा, फकई फकाना इक़ाब, फिर कैसा रहा हमारा पकड़ना, सजा हमारी कैसी रही, सवाल किया। साबिका उम्मतों में से किसी का हाल देख लें, जिन जिनको अल्लाह ने पकड़ा, एक एक फर्द को तबाह बर्बाद कर दिया, कौम आद को, कौम समूद को, कौम फिरौन को, कौम अमालिका को, जिन जिन कौमों को अल्लाह ने पकड़ा है, एक फर्द भी आज बाकी नहीं है बोलने को कि मैं समूद के खानदान का हूं और मैं आद के खानदान का हूं और मैं फिरौन के खानदान का हूं, कोई है बोलने वाला? एक एक फर्द को खत्म कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह ने खुद कहा है कि तुम उनमें से किसी एक को नहीं पाओगे, एक को नहीं पाओगे। यह है फकी फकाना इकाब, सजा हमारी कैसी रही। कुफार कुरैश बुतों को अल्लाह के बराबर कर देते थे बंदगी में, अपने हाथों से पत्थरों को तराश कर इनको माबूद बनाकर किसके बराबर करते थे? अल्लाह के। इन दोनों में क्या तकाबुल है? इस आयत में उसको जाहिर किया अल्लाह ने। देखिए, अफमन हुआ कायमुन अला कुल्ल नफ्सिन बिमा कसबत, क्या भला जो जात वही कायम है हर हर नफ्स पर उसके करतूत के साथ, यानी अल्लाह की जात हर बंदे पर हमेशा निगहबान है, सिर्फ जात पर नहीं बंदों के सारे अफाल के साथ, किस बंदे ने क्या किया, किस बंदे के नाम आमाल में क्या है, किस बंदे के दिल में क्या ख्याल आया, पूरे आमाल जो उसने कमाए, इन तमाम के साथ हर हर बंदे पर अल्लाह निगरान है। इस जात को जो हर बंदे पर उसके आमाल के साथ मुत्तला है और निगहबानी कर रहा है, उन लोगों ने ऐसी जात को बुतों के बराबर कर दिया। वजादु लिल्लाहि शुरका, और बनाया उन्होंने अल्लाह के लिए शरीक, शुरका बना दिया। कहीं सांप की पूजा, कहीं गाय की पूजा, कहीं इंसानी आज़ा की पूजा, कहीं सूरज की चांद की पूजा, कहीं आग की पूजा, ये सब उनके बराबर कर दिया। पत्थर जिनको खुद उन्होंने पत्थर कहा था, तराशने से पहले पत्थर और तराशने के बाद उनको खुदा के बराबर करार दिया। बुतो शाबाश, क्या कहने, तरक्की इसको कहते हैं। न तरशे थे तो पत्थर थे, तराशे तो खुदा ठहरे, वही तराशने वाला सजदा कर रहा है। जब अल्लाह की तरफ से अकलें मारी जाती हैं तो उनका यही हाल होता है। उनके दिमाग में यह बात क्यों नहीं आती है, ऐसा वो भी कहते हैं कि इनके दिमाग में यह बात क्यों नहीं आती है जो हम कर रहे हैं, हम क्या उनसे कम कर रहे हैं, हम उनसे आगे कर रहे हैं। जैसा ये पत्थर को तराश कर खुदा बनाना बेअकली है, इससे ज्यादा बेअकली वाले काम हमारे पास लोग कर रहे हैं, उन्हें कौन क्या कहे। कुरान करीम की इस आयत ने वाज़े किया कि जो जात यानी अल्लाह की कायम है हर शख्स पर निगरानी की हैसियत से उसके अमाल के साथ साथ, आपकी नमाजें अल्लाह के इल्म में, आपका ईमान अल्लाह के इल्म में, आपके अमाल अफकार ख्यालात सब अल्लाह के इल्म में, जो इस तरीके से हर हर बंदे पर मुत्तला हो, भला उसके बराबर किसी गैर को कैसे किया जा सकता। वजादु लिल्लाहि शुरका, और उन लोगों ने खुदा के लिए शुरका तजवीज कर दिए। कुल सम्मूहुम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कहिए सम्मूहुम, उनके नाम बताओ कौन है जो अल्लाह के बराबर है।
कौन है जिनमें इतनी खूबियां हैं कि हर बंदे से वाकिफ हैं? कौन है वो जो बंदों के आमाल के साथ उनसे वाकिफ हो? कौन है जो बंदों के अंजाम से बाखबर हो? कुल सम्मो हुम, उनके नाम बताओ। कायनात में कौन है? न उस वक्त था, न आज है, न कोई आइंदा रहेगा। इसी वास्ते अल्लाह फरमाते हैं, अम तुनब्बिउनहु बिमा ला यालमु फिल अर्ज, क्या तुम अल्लाह को बताना चाहते हो ऐसी जात का हवाला देकर? ला यालमु फिल अर्ज, जो जमीन में अल्लाह जानता है कि नहीं है, यानी सारी दुनिया में ऐसी कोई जात नहीं है जो हर फर्द पर निगहबानी कर सकती हो। जब ऐसी कोई जात नहीं है तो तुम अल्लाह ताला को बताना चाहते हो ऐसी जात जो जमीन में जानता है अल्लाह की है ही नहीं। अम बिज़ाहिर मिनल कौल, या ऊपर से बातें करते हो खाली, बिज़ाहिर मिनल कौल, जाहिरी बातें करते हो खाली, खाली बात करने को आ गए सामने, यानी तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं है, ये जाहिरी बातें हैं खाली, ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हो, जिसको बोलते हैं झूठ मूठ बातें करना। अम या बिज़ाहिर मिनल कौल, जाहिरी कौल है, जाहिरी बात है, हकीकत से खाली है। वमन युग़रिदिल्लाह, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, फमा लहू मिन हाद, उसके लिए कोई हादी नहीं हो सकता। जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसका हादी कोई नहीं हो सकता। क्या जुमला सख्त है ये, वमन और जो शख्स, युज़रिदिल्लाह, अल्लाह गुमराह कर दे, फमा लहू, नहीं है उसके लिए, मिन हादिन, कोई राह पर लाने वाला। इसको थोड़ा खोल के समझाता हूं मैं। हादी बहुत है दुनिया में, हम ये सवाल कर सकते हैं, कुरान ने खुद कहा है लिकुल कौमिन हाद, हर कौम का हादी है, हर कौम का एक हादी है, लिकुल उम्मत रसूल, हर उम्मत का रसूल है। वह इमिन उम्मत इल्ला खलाफिया नजीर, नहीं है कोई उम्मत जिसमें नजीर ना आया हो, तो नजीर भी है, हादी भी है, रसूल भी है, हर कौम के लिए। और इस आयत में कहा गया है कि जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसका कोई हादी नहीं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने हादी, रसूल, नबी, नजीर, बशीर सब भेजे, लेकिन जिस जात के लिए अल्लाह का फैसला हो जाए कि इसको हिदायत नहीं देना है, तो दुनिया के सारे हादी मिलकर हिदायत नहीं दे सकते, ये कहा जा रहा है। इसके लिए दो मिसालें याद रख लो, दोनों मिसालें बहुत अच्छी हैं। एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जिनको अल्लाह के नबी ने खुद कहा है जद्दी इब्राहिम, मेरे दादा इब्राहिम, मेरे से मुशाबे हैं। पूरे कुरान करीम में 100% हर अमल में इत्तबा के लायक किसी को करार दिया है तो वो इब्राहिम है। पहला नाम इब्राहिम, दूसरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। बकिया सारे नबियों के साथ में पूरी हयात नहीं जिक्र किया, बल्कि नबूवत के काम बताए गए। इब्राहिम के साथ क्या कहा? कद कानत लकुम उसवतुन हसनतुन फी इब्राहिम, इब्राहिम की पूरी हयात में नमूना है तुम्हारे वास्ते। वो इब्राहिम अपने वालिद के वास्ते अल्लाह से दुआ गो हैं। इब्राहिम ने घर से निकाल दिया, इब्राहिम के वालिद ने इब्राहिम को घर से निकाल दिया, इब्राहिम ने अल्लाह से दुआ की, लेकिन इब्राहिम के वालिद को अल्लाह ने ईमान नहीं दिया, जबकि इब्राहिम वफादार। कितने इम्तिहान लिए गए, हर जगह वफा की। आज शाम में सुनो आप सुल्तान शाही में कि इब्राहिम का इम्तिहान किन किन चीजों में हुआ था। पहले पारे में बहस आ रही है, वो इजिब तला इब्राहिम रब्बहू के तहत अल्लाह ने कितने इम्तिहान लिए उनके, इतने वफादार कि हर इम्तिहान में पास हुए और अल्लाह ने उनको खलील कहा। इसके बावजूद अपने बाप के वास्ते उन्होंने दुआ की, लेकिन अल्लाह ने उनके बाप को ईमान नहीं दिया, कहा ये मेरा फैसला है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, जिनके लिए सूरह कसस पारा 20 की आयत नंबर 56 में अल्लाह ने वाज़े कर दिया,
اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، ہدایت کریں گے، رہنمائی کریں گے، لیکن ہدایت دے دینا، ایمان دل میں داخل کر دینا، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو یہاں اللہ نے واضح کیا، دو مثال دی ہے، یہاں چاچا وہاں والد، کہ اللہ جس کو نہ ہدایت دیں، اللہ جسے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دیں، اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ہدایت مانگنے کا حکم ہر رکعت میں دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہی ہے۔ اس سوچ میں نماز پڑھو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اس کے آگے فرمایا، تو اس آیت میں ہمیں کیا کہا گیا، اللہ کی ذات کے برابر جن جن لوگوں نے کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا ہے، ان کا خیال، ان کا فیصلہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہر بندے پر نگہبان ہے، اس کے سارے کرتوت کے ساتھ، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ان کا نام لے کے بتاؤ کون ہے، اگر زمین و آسمان میں ایسا کوئی نہیں ہے تو تمہارا یہ فیصلہ کرنا سراسر بے انصافی ہے۔ سنو، اللہ کی شان یہ ہے کہ جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، یہ ایسوں کا خیال بھی سمجھ لو کہ ان کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، ورنہ ایسے خالق، ایسے مالک، اور ایسے خبیر، اور ایسے بصیر جو ہر فرد پر نگاہ رکھتا ہو، اس کے ساتھ غیروں کو برابر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی اسی گمراہی کا ایک نمونہ ہے کہ جنہیں اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، وہی ایسی بات کہہ سکتے ہیں۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی حیات میں، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ اشق، مشقت سے اشق بنا ہے اس میں تفضیل، سب سے زیادہ مشقت آمیز آخرت کا عذاب ہے۔ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقْ، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی، واق بچانے والا، اللہ نے فیصلہ کر دیا جہنم میں جالنے کا، اب کوئی آئے اس فیصلے کو روک دے اور بچا لے، واق کوئی نہیں، واق بچانے والا۔ وقع یقی کے معنی آتے ہیں بچانا، واقن اس میں فائل ہے، اللہ جس کو نہ بچائیں اسے بچانے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ جتنے انبیاء اکرام کے نام قرآن بتاتے ہیں قرآن کریم کی آیتوں میں، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان کی بیویاں، نوح علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم کے والد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، یہ سب قرآن کریم نے بتایا تفصیل کے ساتھ۔ کیوں بتایا؟ کہ جب تک اللہ نہ بچا لیں ان کو بچانے والا کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھ کے سفارش کر دیا اللہ سے، اللہ نے کہا آپ کا جنازہ پڑھانا اور آپ کا 70 بار استغفار کرنا بھی اس کی مغفرت کے واسطے کافی نہیں ہے۔ نبی استغفار کریں، نبی نماز جنازہ پڑھائیں، نبی اپنا کپڑا پہنا دیں، نبی لواب دہن ٹپکا دیں، اب کیا باقی بچا؟ کائنات کی اس سے عظیم شے اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ نے فرما دیا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ قبر پہ کھڑے بھی مت ہو، ان سے آپ راضی ہیں تو ہیں، اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی چیز ہے، اللہ جس کو نہ بچائیں اسے بچانے والا کوئی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی طلب کیا کرو۔ میں نے بخاری میں ایک واقعہ پڑھا تھا، آپ کو سنایا بھی تھا، کچھ لوگ نئے بھی ہیں پھر سن لو۔ حضرت ابراہیم اپنے والد سے ملیں گے، بخاری میں روایت درج ہے سورہ حج کی پہلی آیت کے ذیل میں، کتاب التفسیر میں امام بخاری نقل کرتے ہیں، سورہ حج پارہ 17 پہلی آیت، ابراہیم اللہ سے مخاطب ہونے سے پہلے اپنے والد سے ملیں گے اور کہیں گے ابا جان میں نے کہا تھا نا کہ میری بات مان لو، میرے پاس سچا علم ہے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری بات مان کے چلو، میں آپ کو لے کے چلوں گا صراط مستقیم پر، میری بات آپ نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا بیٹے میں آج تیری بات مانوں گا،
आज तेरी बात मानूंगा। उन्होंने कहा अब मानने से क्या फायदा है, अब फिर भी मैं कोशिश करता हूं। अल्लाह के पास मुखातब होकर फरमाते हैं आपने मुझसे वादा किया है कि कयामत में तुझे रुसवा नहीं करूंगा, कयामत में तुझे रुसवा नहीं करूंगा, यह मुझसे आपने वादा किया है। इससे बड़ी रुसवाई और क्या हो सकती है कि मेरे बाप का यह हाल है। जिसके बाप का यह हाल हो उसके बेटे की इज्जत कहां है? ये अल्लाह के सामने पेश करेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह फरमाएंगे तुमको पहले ही हमने कह दिया था कि काफिरों पर जन्नत हमने हराम कर दी है, अलबत्ता तुम्हारी रुसवाई का इलाज यह है कि अपने बाप की तरफ देखो तो कीचड़ में बिज्जू की शक्ल में वो लौटते नजर आएंगे, यानी अपनी असल शक्ल में नजर नहीं आएंगे। और वो बिज्जू की शक्ल में जो कीचड़ में लोट पोट कर रहे थे उनको उठाकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और ये हुक्म होगा अब तुम कभी अपने बाप को अपनी असली शक्ल में नहीं देखोगे, न देखोगे न रुसवाई होगी। ये देखो बिज्जू की शक्ल में जहन्नम में फेंक दिया गया लेकिन उनको बचाने वाले इब्राहिम नहीं बचा सके। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का वादा है, जिसको अल्लाह अजाब में दाखिल कर दे बचाने वाला कोई नहीं। उमा लहुम मिन अल्लाह मिन वाक, इसके बरखिलाफ जो अल्लाह की तरफ मतवज्जे हो, अल्लाह से डरता हो, मुत्तकियों में शुमार हो चुका हो, अल्लाह फरमाते हैं उन मुत्तकियों के वास्ते मैंने क्या इंतजाम किया है मालूम है? मसलुल जन्ना, जन्नत की मसल। जन्नत की मसल क्यों कहा? क्यों? क्योंकि हूबहू जो जन्नत है वो तुम यहां तसव्वुर में नहीं ला सकते, हूबहू जन्नत उसको तुम शक्ल में ला ही नहीं सकते। क्योंकि नबी का इरशाद है, अल्लाह फरमाते हैं मैंने जन्नत ऐसी बनाई है अपने मुत्तकी बंदों के लिए, आतुल इबादियत सालहीन, मेरे बंदों में जो साले हैं जन्नत ऐसी बना के रखा है मैंने, माला आइनुन रात वाला उजुनुन समियात वाला खतर आला कल्ब बशर, न किसी आंख ने देखा है न किसी कान ने सुना है न किसी के दिल में ख्याल गुजरा है, लिहाजा वो जन्नत को तुम समझाओ कैसे? लिहाजा कहा मसरुल जन्नत, जन्नतियों की जन्नत की मसर बताया अल्लाह ने, उसकी कैफियत यह, यानी जहन से करीब करने के लिए, हमारे जहन से करीब करने के लिए उन चीजों का नाम लिया जाएगा जिसको हम पहचानते हैं, वरना हकीकत यह है कि हमारे दिल में ख्याल आ ही नहीं सकता है। रब्बुर रहीम और गफूरुर रहीम उनकी तरफ से जियाफत है, उनका दस्तरखान है, उनकी शान के मुताबिक होगा, बंदा कहां समझ सकता है। फिर भी फरमाया उस जन्नत की कैफियत जिसका वादा किया गया मुत्तकियों से, मसरुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तकून, उस जन्नत की मिसाल और कैफियत जिसका वादा मुत्तकियों से किया गया है, तजरी मिन तहतिहल अनहार, बहती है उसके नीचे से नहरें, उकुलुहा दाइम व गिल्लुहा, उकुल उसके खाने के फल, दाइम हमेशा हमेशा सदा बहार, व जिल्लुहा और उसके साए, यानी उसके मेवे और उसके साए सदा बहार होंगे, सौ सौ बरस तक कोई ऊंट पर घोड़े पर सवार चलता जाए तो साया कभी खत्म नहीं होगा, और वहां सूरज भी नहीं होगा कि डूब गया तो सूरज से साया खत्म हो जाए, वहां सूरज ही नहीं रहेगा तो साया कभी खत्म नहीं होगा। ये तशबीह है दायमी किराहत की तरफ, हमेशा हमेशा का आराम रहेगा। तिलका उकबल लदीना तकौ, ये नतीजा है ये अंजाम है उनका जो मुत्तकी हैं, मुत्तकियों का अंजाम ये है। वह उकबल काफिरीन नार, और काफिरीन का अंजाम दोजख है। इसलिए कुफर से, कुफर के हर किस्म से, कुफर के हर शुबहे से हमें अपने आप को, अपने औलाद को, अपने बीवी बच्चों को बचाना है, क्योंकि काफिर का अंजाम जहन्नम है और मुत्तकियों का अंजाम जन्नत है। हर वो चीज जो शिर्क के करीब ले जाए हमें अपने आप को उससे रोकना है। आगे फरमाया अल्लाह ताला ने والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه, और वो लोग जिनको हमने किताब दी है यफरहून खुश हो रहे हैं, किससे? बिमा उन्ज़िला इलैक,
जो हमने आपके पास किताब भेजी है उससे। इसमें कई कलाम है। आतैना हुमुल किताब, जिनको हमने किताब दी है इससे मुराद तौरात इंजील वाले। और जो लोग किताब के बावजूद खुश हो रहे हैं आपकी किताब इन्हें कुरान से, या वो लोग हैं जिन्होंने तौरात पर ईमान रखने के बाद कुरान पर भी ईमान कबूल कर लिया, ये वो लोग हैं। जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम और काबे हबार, इनको हमने किताब दी। अब जो आपको हमने किताब दी है कुरान, इससे वो खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस तौरात में, उस इंजील में जो नबी के सिफात बताए गए थे, उस सिफतों वाला नबी उनको मिल गया तो खुशी से झूम उठे कि दो मर्तबा ईमान लाएंगे, दो किताब को तस्लीम करेंगे, दोहरे अजर के मुस्तहिक बनेंगे। जिन लोगों ने दो नबियों पर ईमान रखा, दो किताबों पर ईमान रखा, उनको दोहरा अजर दिया जाएगा। चुनांचे यहां पर लोग खुश हो रहे हैं, और जिनको हमने किताब दी है वो खुश होते हैं उससे जो नाजिल की गई आपकी तरफ। وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ, اور انہی گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں بعض حصے کا, قرآن کا انکار, قرآن کے بعض حصے کا انکار بھی پورے کا انکار ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار ساری آیتوں کا انکار ہے۔ جیسے قرآن نے کہا ایک انسان کو قتل کرنا سارے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے, کیونکہ ایک انسان کو قتل کر دیا تو آپ نے کس کو قتل کیا؟ انسانیت کو قتل کر دیا۔ فکانما احیا الناس جمیعا, اور ایک کو زندہ کیا تو پورے کو زندہ کیا, کیونکہ آپ نے اس کا احترام کیا۔ ومن قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جمیعا, سب کو قتل کر دیا۔ اس لیے انسانیت کا احترام سکھایا ہے, یہاں وہی حکم ہے کہ جس نے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کا انکار کیا اس نے ساری آیتوں کا انکار کر دیا۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ, کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں بندگی کرتا رہوں اللہ کی اور نہ شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ۔ بھلا نبی سے زیادہ موحد کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے کہلوایا, یہ امت کی تعلیم کے لیے کہ جس نبی کے تم امتی ہو اس نبی سے اللہ نے کہلوایا ہے کہ کہہ دو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کرتا رہوں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ جب نبی کو اللہ کا یہ حکم ہے, جبکہ وہ موحد ہیں, داعی ہیں اور کامل ہیں اپنے ایمان میں, تو پھر غیروں کو بھی بدرج اولا شرک سے پرہیز کرنا چاہیے۔ الیہ ادعو و الیہ متاب, اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں, اسی کی طرف مجھ کو بھی لوٹ کر جانا ہے۔ الیہ ادعو, اسی کی طرف میں بلاتا ہوں۔ سنا آپ نے, ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم کسی کی طرف نہ بلائیں, اسی کی طرف بلائیں, یہ نبی کا کام ہے۔ الیہ ادعو, اور ادعو کے بعد الیہ آ سکتا ہے عربی زبان میں, لیکن الیہ کے پہلے الیہ کو مقدم کیوں کیا؟ تاکہ ہی پیدا ہو۔ ہی الیہ ادعو, اسی کی طرف ہی بلاتا ہوں میں۔ یہ ہی پیدا کہاں سے ہوا؟ الیہ کو مقدم کرنے سے۔ اگر کہا سے ادعو الیہ تو اس کی طرف بلاتا ہوں, اور الیہ ادعو اسی کی طرف بلاتا ہوں میں, اور کسی کی طرف نہیں بلاتا ہوں۔ یہ نبی کی دعوت کا ایک ہی رخ ہے, جس کو بلاؤ تو اللہ کے لیے بلاؤ, جس کو بلاؤ اللہ کی طرف بلاؤ۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی کسی کو دعوت دیں تو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ ارادہ ہے بھائی دعوت دینے کا؟ جس کو بھی دعوت دیں اللہ کی طرف۔ ہم تو ہر دعوت دیتے, مشاعرے کی دعوت دیں گے, ولیمے کی دعوت دیں گے, چہلم کی دعوت دیں گے, مگر قرآن کی دعوت دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہم نے خود نہیں پڑھا تو کیا دعوت دیں سوچتے ہیں, خود کب پڑھیں گے نہیں معلوم, لیکن دعوت دو۔ دعوت دینے کا حکم دیا, ایک ایک شخص اللہ کی طرف دعوت دینے والا بن جائے۔ جب اللہ کی طرف دعوت دیں گے تو دعوت دینے کا طریقہ بھی اللہ سکھا دیں گے۔ محبت, تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ جب ہم محبت کر کے اللہ کی طرف بولنے کا فیصلہ کر لیں گے تو اللہ خود سکھا دیں گے۔
वो इलैही ही माब और लौटने की वही जगह है, हम सबको वहीं जाना है। कोई लाख कोशिश कर ले कि वहां नहीं जाना है, कहीं और चले जाएंगे। अइनल मफर, कहां है भागने की जगह, कोई जगह और है? छोटा बच्चा बड़ा बच्चा हर एक ही कहता है कि हमें अल्लाह ही की तरफ जाना है, अल्लाह ही की तरफ लौटकर पहुंचना है। आखिरी आयत इस रुकू में, وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا, और ऐसे ही हमने नाजिल किया है हुक्म अरबी जबान में, अरबी जबान में खास हुक्म नाजिल फरमाया है कुरान की शक्ल में, कुरान की शक्ल में अरबी हुक्मनामा नाजिल किया है अल्लाह ने। किसके लिए नाजिल किया है? अभी पीछे आ चुका है ना, ताकि आप उन पर तिलावत करें। लितत्लू अलैहिम अल्लज़ी ओहैना इलैक, ऐ नबी हमने आप पर अरबी जबान में खास हुक्म नाजिल किया है ताकि आप ये उनको पढ़ के सुनाएं। नबी ने पढ़ के सुना दिया, अब हमारा फरीजा यह है कि हम भी जो गाफिल हैं उन तक इसको पढ़ के सुनाएं। इस कलाम इलाही के हुक्म के होते हुए अगर हम उनके ख्वाहिशों की बात मान ली, ख्वाहिशों की इत्तबा कर ली, वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बादमा जाअका मिनल इल्म, वार्निंग है ये। और अगर बफर्ज मुहाल सपोज आपने उनके ख्वाहिशों की इत्तबा कर ली बाद इसके कि आपके पास इल्म आया है, माजरा का मिनल इल्म, कुरान की शक्ल में अरबी अहकाम की शक्ल में आपके पास इल्म आया है और आपने इस इल्म के बावजूद अगर उनके ख्वाहिशों की इत्तबा कर ली बफर्ज मुहाल, मालक मिनल्लाह मिन वलीयिन वला वाक, वही वाक यहां भी था वही वाक यहां भी है, नहीं है कोई अल्लाह के मुकाबले में आपको मदद देने वाला और ना आपको बचाने वाला, यानी अल्लाह के हुक्म को छोड़कर किसी के ख्वाहिशों की इत्तबा नहीं, किसी के ख्वाहिशों की इत्तबा कुरान का हुक्म छोड़कर नहीं जायज है नबी के लिए। भला बताओ अगर अहकाम इलाही के होते हुए किसी के ख्वाहिशों की इत्तबा करना नबी के वास्ते मुजर है तो फिर किसको मजाल है कि वो बोले हम अपने ख्वाहिशों पे अमल करते रहेंगे और खुदा का हुक्म छोड़ते रहेंगे। हमें भी अपनी ख्वाहिशें बल्कि किसी की ख्वाहिशों पर चलने के बजाय हमें अहकाम इलाही की इत्तबा करना है, ये हमें सबक निकलता नमूना निकलता है। इसके बाद सिर्फ एक रुकू बचता है जहां पर सूरह रात इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। ये रुकू बहुत मुख्तसर है लेकिन बहुत जामे इस वास्ते है कि तकदीर की बहस आ रही है, तकदीर मुअल्लक और तकदीर मुबरहन दोनों की बहस आएगी और तकदीर के मसले में लोग बहुत ज्यादा उलझे हुए रहते हैं। इंशाअल्लाह बड़े ही संजीदा अंदाज में आप इस गुफ्तगू को सुनेंगे। आइंदा आप तशरीफ वक्त